हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉइन। जैसा कि आप सबको पता है, एमपी सब इंजीनियर का जो है नोटिफिकेशन पहले आया था, लेकिन वो कुछ रीजन के वजह से बोला गया था जो वैकेंसी में और ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है, इसके वजह से वैकेंसी डिले कर रहा था। लेकिन हुआ बेटा उल्टा हुआ। ये ना जो अभी जो नोटिफिकेशन आया, कल ही शाम को आया नोटिफिकेशन, मैं डिटेल नोटिफिकेशन आपके साथ करूंगा डिस्कस। उसमें क्या हुआ ना, नंबर ऑफ वैकेंसी कम ही हो गया है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा वैकेंसी है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी कम ही हो गया। अब पता ही नहीं चल रहा ये गवर्नमेंट लोग क्या कर रहे हैं। मतलब बच्चों को ये बोल के वैकेंसी को डिले कर रहा था जो नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन हुआ यहाँ पे उल्टा। एक तो वैकेंसी में डिले कर रहा है, एग्जामिनेशन डेट से सेप्टेम्बर में दे दिया, आपको पता होना चाहिए। मैं डिटेल में शाम में बताऊंगा आपको क्या क्या चीजें हैं, तो उसमें सारा चीज मेंशन है, कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और लास्ट डेट कब होने वाला है। और यहाँ पे वैकेंसी सबसे जो डिसअपॉइंटेड वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी डिक्रीज कर दिया गया है। ओके, ये बैड न्यूज है आप सबके लिए, लेकिन देखेंगे जितना वैकेंसी है उसमें ही अपन को फाइट करना है। तो सामने मैं डिटेल नोटिफिकेशन उसका लेके आने वाला हूँ, वन बाय वन हर पहलू पे बात करने वाला, कौन कौन एलिजिबल है, किसके किसके लिए, किसके किसके लिए ये फॉर्म है, अदर स्टेट वाले एलिजिबल है कि नहीं, और साथ ही साथ इसका लास्ट डेट कब होने वाला है और एग्जामिनेशन कब होने वाला है और किस वे में चीजों को प्लान करना है, हर पहलू पर बात करेंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा, मैं बताऊंगा सामने। ओके, थैंक यू।